दोस्तों क्या आपको पता है कि डेली 19,000 वर्कर्स गाजा से इजराइल जॉब करने जाते थे, जिससे इकोनॉमिक बेनिफिट्स के साथ साथ हाई टैक्स रेवेन्यूज भी जनरेट हो रहे थे। लेकिन ये सब एक मैसिव डिसेप्शन था। हमास सालों से 7 अक्टूबर के अटैक्स की तैयारी में लगा था और इजरायली फोर्सेस एंड इंटेलिजेंस अपनी कैपेबिलिटीज को लेकर ओवर कॉन्फिडेंट थे, और इसलिए आज पूरी दुनिया शॉक्ड है कि कैसे हमास ने इतना बड़ा अटैक लॉन्च किया और इजरायली इंटेलिजेंस को कानो कान खबर नहीं हुई। दोस्तों 2020 के इब्राहिम अकॉर्ड्स के बाद इजरायल और अरब वर्ल्ड्स के रिलेशंस नॉर्मलाइजेशन की राह पर थे। यूएई और बहरीन ऑलरेडी इजरायल के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशंस सेटअप कर चुके थे और सऊदी अरेबिया भी इजरायल के साथ पीस टॉक्स में इन्वॉल्व था, और इसी को डिसरप्ट करने के लिए ईरान बैक्ड हमास ने इजरायल पर ये अटैक्स किए। तो दोस्तों आपके अकॉर्डिंग इन अटैक्स के पीछे असली मोटिवेशन क्या है, कमेंट्स में हमें जरूर बताएं।